हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल टाइम्स ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्वांटम मैकेनिक्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। तो देखिए, आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, अपने सारे ग्रुप्स में शेयर कर दें, व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर दें। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं जो आज का वीडियो है। तो देखिए, जो इससे पहले हम क्वांटम मैकेनिक्स के 8 वीडियोस में लेके आ चुका हूँ, उसमें मैक्सिमम जो स्टार्टिंग की यूनिट्स हैं उनके मैंने क्वेश्चंस कवर करे हैं। बट कुछ स्टूडेंट्स ने कहा था कि सर लास्ट की यूनिट के और ज़्यादा क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो देखिए, जो आज का लेक्चर होने वाला है इसमें जो लास्ट की यूनिट है उसके जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं वो आज हम लेकर आए हैं। तो चलिए टाइम को बिना वेस्ट करें हम स्टार्ट करते हैं, और अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल इज, किसी भी शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे पता करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है 2009 में। तो ऑप्शन फर्स्ट दिया गया है n, ऑप्शन बी दिया गया है 2n, ऑप्शन सी दिया गया है n स्क्वायर, ऑप्शन डी दिया गया है 2n स्क्वायर। तो देखिए, आपने इजीली पढ़ा होगा, मैंने भी पीछे वीडियोस में करवाया है। तो इसका आंसर क्या होता है, किसी भी शेल में इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं। तो देखिए कि हमारे पास न्यूक्लियस होता है, जो भी किसी भी एटम का न्यूक्लियस होता है उसके चारों तरफ शेल्स होती है जिसमें रिवॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। अगर पता करना हो कि किसी भी शेल हो उस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हम कैसे पता लगाते हैं, उसका फॉर्मूला होता है 2n स्क्वायर। मतलब अगर फर्स्ट वाली होगी तो यहां पर n की वैल्यू रख देंगे हम 1, सेकंड सेल होगी तो n की वैल्यू रख देंगे 2, थ्री सेल होगी तो n की वैल्यू रखेंगे 3। तो इस फॉर्मूले में हम नंबर ऑफ सेल डाल के पता लगा सकते हैं कि किस सेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, 2n स्क्वायर। ओके, 2n स्क्वायर से हम पता लगा सकते हैं किसी भी सेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, एटॉमिक नंबर ऑफ सिलिकॉन इज 14, इट्स ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज। तो देखिए, इसके आगे मैंने नहीं लिखा है कौन से ईयर में आया। तो क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालनी होती है ये बहुत बार पूछा गया है, ये मैक्सिमम हर ईयर में पूछा गया है। बस कहीं पर सिलिकॉन की जगह फास्फोरस दे दिया, कहीं कुछ दे दिया, तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो इसको हम कैसे करते हैं, अगर आपको आता है तब भी ठीक है, जिन्हें नहीं आता पहली बार कर रहे हैं तो वो भी अब इस क्वेश्चन से सीख जाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, देखिए हमें यहाँ पर दिया गया है सिलिकॉन, तो वी नो दैट सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14, और जब हम इसको डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो 2 उसके बाद 8 एंड 4। अब ये जो हमारा यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कैसे होता है, तो इससे आपको एक चीज याद रखनी है, सबसे पहले रखेंगे 1s, उसके बाद रखेंगे 2s 2p। ठीक है, फर्स्ट रो, सेकंड, जब थर्ड में जाएंगे तो 3s 3p के साथ जुड़ जाएगा 3d, उसके बाद फोर में जाएंगे तो 4s 4p 4d एंड 4f, फिर उसके बाद 5 में आएंगे तो 5s 5p 5d, इस तरीके से चलता है। तो ये तो आप इजीली बता देंगे, 1 में, सेकंड में, 3 में, 4 में, 5 में, एक एक करके बढ़ता रहेगा SPDF करके। अब क्या होता है, जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो ऐसा स्टार्ट होता है, पहले ये लिखेंगे, उसके बाद वापस यहाँ से जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे ये लिखेंगे, उसके बाद यहाँ से जाएंगे इसके साथ ये लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर आएंगे इसके साथ ये लिखेंगे, ऐसे ही करके हमारा ये चलता रहता है। तो इससे क्या पता चला, अब देखो एक चीज और याद रखनी है इसमें, जो S होगा उसमें मैक्सिमम फिलिंग हो सकती है 2 इलेक्ट्रॉन की, P में मैक्सिमम फिलिंग हो सकती है C की, उसके बाद D में 6 की, और D में मैक्सिमम हो सकती है 10 की, और F में हो सकती है मैक्सिमम 14। मतलब हर उसमें 4-4 का डिफरेंस है। ओके, ये याद रखें आप। अब कैसे करेंगे, सबसे पहले हम भरेंगे ये वाला है 1s, तो हम यहां से करेंगे 1s, और मैंने बताया x में मैक्सिमम होती है 2, तो यहां पर आ जाएगा 2, मतलब ये 2 हमारी फिलिंग हो गई। उसके बाद यहां से जाने के बाद यहां पर आएगा 2s, तो यहां पर लिखेंगे 2s, s में मैक्सिमम होती है 2, यहां से हमें पता था x में मैक्सिमम 2 होती है, तो यहां पर कर देंगे हम 2। अब 8 में से 2 तो यहां पर होगी, अभी कितनी बची है 6। अब इसके बाद हम यहां पर आएंगे 2p, अब 2p, p में मैक्सिमम कितनी होती है 6, तो यहां पर 6, मतलब 6 और 2 8, ये वाली भी कंप्लीट हो गई। अब इस 2p के बाद क्या आता है 3s, अब हम 3s में जाएंगे,
अब 3s में ये वाली इसकी फिलिंग होगी, तो s में मैक्सिमम कितनी होती है 2, तो यहां पर आ जाएगा 2। अब 3s के बाद दोबारा यहां पर आएगा, यहां पर आएगी 3p। अब यहां पर इस 4 में से 2 तो यहां पर होगी थी, बची हुई 2 थी, तो ये यहां पर हो जाएगी। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से निकल जाएगा। अब देखो इजी था, इसको आप एक बार और देखें, अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप इजीली इसको समझ जाएंगे। तो अब मैच कर लेते हैं कि इसका ऑप्शन कौन सा है। तो देखिए जब हम इसको मैच करेंगे तो हमें यहां से पता चलेगा, देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो हमारा जो सिलिकन एटॉमिक नंबर जिसका 14 गिवन था, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी और पार्ट नंबर बी। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अकॉर्डिंग टू पॉली प्रिंसिपल ऑफ टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम विच ऑफ फॉलोइंग कैन नॉट बी इक्वल। ये पूछा गया है 2008 और 2009 में। तो देखिए जब मैंने आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताया था, तो उसमें मैंने आपको 4 टाइप के प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पढ़ाए थे लास्ट वीडियो में, तो उसमें मैंने आपको बताए थे। तो जो पॉलिस था उन्होंने क्या बोला था कि किसी भी एटम के दो इलेक्ट्रॉन की कौन सी प्रॉपर्टी सेम नहीं हो सकती, कोई सी भी, चारों में से कोई सी भी प्रॉपर्टी सेम नहीं हो सकती। तो एन का मतलब यहां पर क्या हुआ, यहां पर हो गया एन का मतलब क्वांटम नंबर, एल का मतलब यहां पर हुआ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, और एल एंड एम एस यहाँ पर क्या हुआ मैग्नेटिक स्पिन। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। मतलब इनमें से अगर एक एटम के जब हम ये चार क्वांटम नंबर निकालें और उसी के साथ उसी एटम का जो इलेक्ट्रॉन है उसके चार क्या निकाले, क्वांटम नंबर निकाले, तो दोनों इलेक्ट्रॉन के जो क्वांटम नंबर होंगे वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अकॉर्डिंग टू पॉलिस प्रिंसिपल। ठीक है, तो देखिए वीडियो को लाइक करते रहे, अगर आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहे हैं सारे कॉन्सेप्ट, तो वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में, अकॉर्डिंग टू समरफील्ड मॉडल ऑफ एटम इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन। अकॉर्डिंग टू समरफील्ड ने जो मॉडल दिया था एटम का, उसके अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है। तो जिस ऑर्बिट में वो रिवॉल्व करता है वो कैसा होता है पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है सर्कुलर, सेकंड दिया गया है पैराबोलिक, थर्ड दिया गया है इलेप्टिकल और फोर्थ दिया गया है नन ऑफ दिस। तो देखिए जो समरफील्ड ने मॉडल दिया था एटॉमिक का, तो उन्होंने कहा था कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है न्यूक्लियस के चारों तरफ जो रिवॉल्व करता है उसका ऑर्बिट कैसा होता है, इलेप्टिकल। तो इसका आंसर हो जाएगा इलेप्टिकल। और उन्होंने साथ में साथ एक बात और बोली थी कि जो इलेप्टिकल ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो हर एक प्लेस में उसकी जो स्पीड होगी वो डिफरेंट होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स ऑफ बामर सीरीज हैज लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। अब देखिए जब हम बामर सीरीज पढ़ेंगे तो इसमें क्या होता है, अभी मैं आगे जाके आपको समझाऊंगा, यहाँ पर एक मैं आपको बता देता हूँ। हमने जब पढ़ा था इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में क्या होता था, आप कुछ इस तरीके से समझे, हमारे पास क्या होती थी डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होती थी, ऐसे डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होती थी। अब जब इलेक्ट्रॉन्स अपर एनर्जी लेवल, आप ऐसे कर सकते हैं n=1 n=2 n=3 एंड n=4, हर एक लेवल का अलग एनर्जी लेवल होता था। अब जब इलेक्ट्रॉन्स अपर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल की तरफ आता था तो वो क्या करता था, एक इमिशन करता था, चाहे वो इसमें आए चाहे इस लेवल से आए चाहे ऊपर किसी भी एनर्जी लेवल से आए। तो उस समय क्या करा गया कि अगर इलेक्ट्रॉन n=2 सेकेंड एनर्जी लेवल में आएगा तो उस टाइप के जो फ्रिक्वेंसी जो वेवलेंथ क्रिएट करेगा उसको नाम दे दिया गया बामर सीरीज। ठीक है, आगे हम और सीरीज भी पढ़ेंगे तो उसमें भी और ढंग से समझेंगे। तो उसमें क्या किया गया, तो जो इसमें पूछा गया है कि जो ये सीरीज आई है, मतलब 1, 2, 3 ऐसे करके जितने इलेक्ट्रॉन्स नीचे आए हैं वो अलग अलग वेवलेंथ के साथ आए हैं, तो इसमें से जो इनकी सीरीज बनी थी, जो ये सीरीज बनी थी इसमें से सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किसकी थी। तो ऑप्शन दिया गया है एच अल्फा लाइन्स, ऑप्शन बी दिया गया है एच बीटा लाइन्स और ऑप्शन सी दिया गया है एच गामा लाइन्स। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा एच अल्फा लाइन्स। एच अल्फा लाइन्स की जो वेवलेंथ होती है वो सबसे बड़ी होती है। कितनी होती है इसकी वेवलेंथ, इसकी वेवलेंथ होती है 6563 नैनोमीटर। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, वेवलेंथ ऑफ एच ए ग्रेटर देन एच बी,
और ग्रेटर देन एच वाई, तो मतलब सबसे ज्यादा एच ए की होती है, फिर एच बी की होती है, फिर एच गामा की होती है। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, ठीक है, तो पहली एक्साइटेशन एनर्जी पूछी गई है हाइड्रोजन एटम की, और क्वेश्चन पूछा गया है 2010 में। तो देखिए कुछ चीजें ऐसी हैं इसमें, कुछ जैसे फॉर्मूलेज होते हैं, कुछ वैल्यूज होती है जो आपको डायरेक्ट याद रखनी पड़ती है, और कुछ को हम फॉर्मूले की हेल्प से निकालते हैं। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगा, आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं और फॉर्मूले की हेल्प से भी निकाल सकते हैं। तो एक्साइटेशन एनर्जी पूछी गई है, तो सबसे पहले पता होना चाहिए एक्साइटेशन एनर्जी क्या होती है। तो देखो जब हमारा इलेक्ट्रॉन, तो देखिए ये हमारा एक बैंड है और ये है, इसको कहते हैं हम वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड क्या होता है, जो सबसे बाहर वाली शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब क्या होते हैं, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस बैंड में, ये अपने पेरेंट से अटैच्ड होते हैं, मतलब न्यूक्लियस से अटैच होते हैं। अब उनको एक्साइट करने के लिए बाहर से एक एक्सटर्नल एनर्जी दी जाती है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, यहाँ से जाके दूसरे एनर्जी लेवल में जाते हैं, यहाँ पर एनर्जी लेवल में चले जाते हैं, या इसके बाद कोई दूसरा बड़ा एनर्जी लेवल हो सकता है, ये वहां भी जा सकते हैं। तो एक यहां से ऊपर जाएंगे, जिस तरीके की एनर्जी हम उसको देंगे उतना ही वो डिस्टेंस पार ट्रेवल करेंगे। तो एक्साइट होने के लिए उसको कितनी एनर्जी निकलती है, तो सबसे पहले मैं आपको न्यूमेरिकल तरीके से बता देता हूं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए जो ये फर्स्ट वाली एनर्जी लेवल होता है, इसकी एनर्जी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन होल। जो सेकेंडरी एनर्जी लेवल होता है, इसकी वैल्यू होती है हमारी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इस जगह से इस जगह के जो बीच का एनर्जी गैप है वो हम कैसे निकालते हैं, अगर ये एनर्जी लेवल 2 है और ये एनर्जी लेवल 1 है और ये एनर्जी लेवल 3 मान लो, तो इसके बीच का गैप निकालने के लिए हम क्या करेंगे, E2 - E1। तो E2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -3.4, और E1 की वैल्यू क्या है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, -3.4 +13.6, तो इसको सॉल्व करके हमारे पास आएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब देख लो यहाँ पर, तो फर्स्ट एक्साइटिंग स्टेट ऑफ एनर्जी हाइड्रोजन एटम, मतलब जो इसको पहली स्टेज, ये जो स्टेज 1 है इसको पार करने के लिए कितनी चाहिए इसको, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब एक्सटर्नल फोर्स मिलेगा यहाँ से 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तब जो यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रॉन होगा वो एक्साइट करके ऊपर वाले एनर्जी लेवल में चला जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट हमारे पास 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। या तो आप ऐसा निकालना सीख लीजिए या आप डायरेक्ट वैल्यू याद रख लीजिए, इसकी डायरेक्ट वैल्यू भी आप याद रख सकते हैं, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में। रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट गिव एक्सपेरिमेंटल इन्फॉर्मेशन अबाउट, तो रदरफोर्ड ने जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था, तो उससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिली थी एटम के बारे में। तो ये गढ़वाल 2009 में पूछा गया है, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, 10th क्लास में भी कुछ लोगों ने पढ़ा होगा। तो पहले चलते हैं, फर्स्ट पॉइंट दिया गया है ए में द चार्ज ऑफ अ पार्टिकल, ऑप्शन बी दिया गया है द साइज ऑफ द एटम, ऑप्शन सी दिया गया है द साइज ऑफ न्यूक्लियस, और ऑप्शन डी दिया गया है नन। तो इसको समझ लेते हैं, सबसे पहले रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल क्या होता है, ये एक्सपेरिमेंट था क्या। तो देखिए इन्होंने क्या करा, इसको आप ऐसे समझे, इन्होंने क्या करा कि एक बहुत पतली वेरी थिन गोल्ड प्लेट रखी, क्या रखी, गोल्ड प्लेट, और इसके चारों तरफ रख दिया कलेक्टर। ठीक है, इसके चारों तरफ रख दिया कलेक्टर, ये क्या करेगा, जो भी निकल के आएगा, कलेक्टर का मतलब होता है एकत्र करना, कलेक्ट करेगा ये। और इसने क्या करा, यहां पर से हल्का सा गैप छोड़ के यहां से इसने भेज दिए अल्फा पार्टिकल की एक बीम डाल दी। ठीक है, तो अब क्या हुआ, जब ये अल्फा पार्टिकल की बीम जाके इस किससे टकराई, इस जो हमारे पास ये प्लेट थी गोल्ड प्लेट, तो इसने देखा, अब होना क्या चाहिए था, होना तो रिफ्लेक्ट बैक चाहिए था, पर इसने देखा कि ये इसको पार्ट को ट्रांसमिट करके यहां पर क्या हो रहा है, बहुत स्कैटरिंग हो रही है, ऐसे स्कैटरिंग हो रही है। तो यहां से इसने क्या ऑब्जर्व करा, मैक्सिमम पार्टिकल बिल्कुल सीधे जा रहे हैं, बहुत कम पार्टिकल है जो डेविएट हो रहे हैं। तो यहां से इनको ये पता चला कि जो इससे पहले जे.जे. थॉम्सन ने एक प्लम पुडिंग मॉडल निकाला था, जिसको हम थॉम्सन मॉडल भी कहते हैं, तो ये उसको क्या कर देता है, उसको कैंसिल कर देता है। तो जिसकी हेल्प से हमें क्या पता चल जाता है, न्यूक्लियस का साइज,
तो यहीं से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द साइज ऑफ न्यूक्लियस। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा द साइज ऑफ न्यूक्लियस, जो अल्फा पार्टिकल था। इसके बाद इन्होंने जो एटॉमिक स्ट्रक्चर था उसके बारे में भी काफी सारी चीजें बताई, वो अभी यहाँ पर डिस्कस करने में नहीं आएगी। तो ये था क्वेश्चन 7। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इज गिवन बाय, और ये क्वेश्चन पूछा गया है 2009 में। तो ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुका हूं, पर यहां पर इसके दो फॉर्मूले हैं, उन दोनों फॉर्मूलों को हम समझ लेते हैं। तो जो देखिए, जो सबसे पहले मैंने लास्ट कुछ वीडियोस में कराया था, तो मैंने बताया था एंगुलर मोमेंटम फॉर्मूला क्या होता है। एंगुलर मोमेंटम, तो जो फॉर्मूला लिखवाया था एम वी आर, जहां पर एम था मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका एक और फॉर्मूला होता है, जो होता है एन एच अपॉन 2 पाई। एन इक्वल्स टू क्या होता है कि किस ऑर्बिट में सेल है, एच यहाँ पर प्लैंक कांस्टेंट होता है, और इससे हम एंगुलर मोमेंटम इजीली फाइंड कर लेते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम के देखिए दो फॉर्मूले हैं, दोनों आपको याद रखने हैं। तो यहां से स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, यहां से देख सकते हैं आप एंगुलर मोमेंटम का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एंगुलर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इज गिवन बाय एन एच अपॉन 2 पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में, इलेक्ट्रॉन इन द एटम आर हेल्ड ड्यू टू, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो एटम में इलेक्ट्रॉन रुके हुए होते हैं, हेल्ड होते हैं, वो किसकी वजह से होते हैं। ऑप्शन ए दिया गया है कूलम्स फोर्स, ऑप्शन बी दिया गया है न्यूक्लियर फोर्स, ऑप्शन सी दिया गया है ग्रेविटेशनल फोर्स, और ऑप्शन डी दिया गया है नन। तो बेसिक क्वेश्चन है, क्लास 11th या 12th में आपने पढ़ा होगा, और इसका आंसर हो जाएगा किसकी वजह से होता है, कूलम्स फोर्स की वजह से। कुछ बेसिक क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं वहां पे, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट जानने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है, द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट मेंबर ऑफ लेमन सीरीज, लेमन सीरीज के फर्स्ट मेंबर की वेवलेंथ क्या होती है। तो आप इसको कुछ इस तरीके से समझे, क्या होता है, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होती है, आप ऐसे समझे, एनर्जी लेवल n इक्वल टू 1, ठीक है, एनर्जी लेवल n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3 और ऊपर भी और कोई हो सकती है। अब क्या होगा, जब पार्टिकल ऊपर से हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल की तरफ आएगा तो कुछ इस तरीके से आएगा। अगर सोचिए इसकी बात करें, अगर एनर्जी लेवल n इक्वल टू 1 में आ रहा है, ऊपर हायर एनर्जी लेवल से वापस आएगा, तो जो इस n इक्वल टू 1, मतलब जो पहले एनर्जी लेवल में जो पार्टिकल्स आते हैं उनको हम कहते हैं कौन से पार्टिकल्स, कौन सी सीरीज होती है, कौन सी सीरीज है यहां पर, इस सीरीज को नाम देते हैं लेमन सीरीज, ठीक है। उसके बाद जो पार्टिकल n जो सेकंड एनर्जी लेवल में आते हैं, मतलब कुछ एक पार्टिकल यहां से आया, एक ऊपर वाले से आया, फिर ऊपर भी कोई एनर्जी लेवल आएगा यहां पर आएगा, तो जो ये सीरीज बनी है इसको हम कहते हैं, जो मैंने अभी लास्ट में भी आपको बताई थी उसको हम कहते हैं बामर सीरीज। तो अब इसके बारे में इसमें कुछ और जो इंफॉर्मेशन है वो हम जान लेते हैं। तो जब n इक्वल टू 1 होगा, जब n इक्वल टू 2 में इलेक्ट्रॉन फॉल होंगे, मतलब वापस आएंगे, और n इक्वल टू 3 में आएंगे, मेनली n1 और n2 का पूछा जाता है। तो n1 के लिए हम कहेंगे लेमन सीरीज, n2 के लिए हम कहेंगे बामर सीरीज, और n3 को हम कहेंगे पाश्चन सीरीज। अब जान लीजिए, जो n1 में जो भी यहां पर वेवलेंथ होगी, कुछ ना कुछ वेवलेंथ होगी, इसकी अलग होगी, इसकी अलग होगी, इसकी अलग होगी, तो जो इसमें वेवलेंथ होती है उस टाइप के वेवलेंथ को हम कहते हैं यूवी रेंज, मतलब अल्ट्रा वायलेट रेंज। और जो n2 में गिरती है, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, n2 में जो वेवलेंथ, जो भी हमारे पार्टिकल्स ऊपर से नीचे आते हैं और जो वो वेवलेंथ क्रिएट करते हैं उसको हम कहते हैं विजिबल लाइट, विजिबल लाइट, इस लाइट को हम देख सकते हैं। और उसके बाद जो n3 में आती है उसको हम कहते हैं IR, मतलब इंफ्रारेड रेज, ठीक है। ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, इससे कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि इनकी रेंज भी पूछ लेते हैं कि लेमन सीरीज की रेंज क्या होगी, पहले की क्या होगी, लास्ट की क्या होगी, तो वो आपको याद रखना पड़ेगा। तो यहां से देखिए, जो वेवलेंथ पूछा गया है लेमन सीरीज के फर्स्ट मेंबर की,
तो जो इसके फर्स्ट मेंबर की जो इसकी रेंज होती है वो कितनी होती है, 1212 आर्मस्ट्रांग। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 1212 आर्मस्ट्रांग। ठीक है, तो देखिए ये कुछ जो रेंज है ये आपको याद रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, विच सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा लाइज इन अ विजिबल रीजन। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2007 में भी आया और 2010 में भी आया और ये आना भी बनता है, इस बार भी आ सकता है। क्यों? तो देखिए अभी मैंने आपको बताया, जस्ट अभी बताया मैंने कि विजिबल रीजन कौन सा होता है। देखिए दोबारा वापस, विजिबल रीजन कौन सा होता है बामर सीरीज में। अगर आप नोट्स बना रहे होंगे तो आपको एकदम याद आ गया होगा। तो यहां पर से इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहले में ही टिक लगा दो, आगे जाने की तो जरूरत ही नहीं है, फर्स्ट में ही बता दो कि हाँ इसका क्या होगा, बामर सीरीज हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट में चलते हैं। आपको वीडियो कैसी लग रही है, एक्सप्लेनेशन ढंग से समझ में आ रहा है तो नीचे कमेंट करके बताएं कि जी सर बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में, द वैल्यू ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज। ठीक है, तो रिडबर्ग कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है, कांस्टेंट इसकी एक वैल्यू होती है फॉर हाइड्रोजन एटम क्या होती है। तो देखिए इसको हम जब भी हाइड्रोजन एटम की वेवलेंथ निकालते हैं उसमें यूज किया जाता है, और इसकी जो फिक्स्ड वैल्यू होती है वो कितनी होती है, पहला ऑप्शन देख लीजिए। देखिए जो स्टार्टिंग के दोनों ऑप्शन है ये आपको एक जैसे लगेंगे, दोनों में डिफरेंस ये है कि जो इसकी यूनिट है इसमें m माइनस टू है, इसमें m माइनस वन है। और ऐसी ऑप्शन सी और डी में जो ऊपर की न्यूमेरिकल वैल्यू है सेम है, जो इसकी यूनिट है वो डिफरेंट दी गई है। तो इसका मतलब आपको इनकी यूनिट को भी डिपेंड रखना है कि ये m माइनस वन होता है या m माइनस टू होता है। तो देखिए जो रिडबर्ग कांस्टेंट होता है हाइड्रोजन एटम के लिए उसकी वैल्यू होती है 9.096 × 10⁷ मीटर में माइनस वन, समझे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये आपको याद रखना है एम माइनस टू होगा या एम माइनस वन। ठीक है, तो अभी आगे जब आप सॉल्व करेंगे वेवलेंथ निकालेंगे तो वहां पर भी इसका यूज हो सकता है, न्यूमेरिकल अगर आता है तो उसमें भी इसका यूज हो सकता है। तो इस वैल्यू को जैसे आप प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू की तरह याद करते हैं तो इसको भी आप याद कर लें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, आपकी स्क्रीन में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है, द इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी वी रिलेट्स टू इट्स ऑर्बिटल रेडियस आर बाय द फॉर्म, 2007 में पूछा गया है। तो वेलोसिटी पूछी गई है इलेक्ट्रॉन की विथ रिलेट टू ऑर्बिट रेडियस आर, तो इसका आंसर क्या होगा, पहले भी करवा चुका हूं मैं, तो इसका आंसर डायरेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फॉर्मूला है डायरेक्ट, इसको क्या सॉल्व करके दिखाना, जो फॉर्मूला है इतने बड़े फॉर्मूले को सॉल्व करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें हमें क्या करना है, जो फॉर्मूले होते हैं डायरेक्ट हमें याद होना चाहिए कि इस टाइप के डेरिवेशन से क्या फॉर्मूला आता है। नेक्स्ट में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में, विच क्वांटम नंबर टेक 2L+1 डिफरेंट वैल्यूज, 2006 में आया है और ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करवा चुका हूं जब क्वांटम नंबर बढ़े थे। तो देख लेते हैं, ऑप्शन ए दिया गया है ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, ऑप्शन डी दिया बी दिया गया है मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, ऑप्शन सी दिया गया है स्पिन क्वांटम नंबर, और ऑप्शन डी हमें गिवन है मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर। तो देखिए जब मैंने आपको बताया था एन, मैंने आपको बताया था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, उसके बाद मैंने आपको कौन सा बताया था, एल बताया था एंगुलर क्वांटम नंबर, और उसके बाद मैंने बताया था आपको मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, और जो उसकी वैल्यूज निकलती है वो किससे निकलती है, 2L+1। तो इसका आंसर हो जाएगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं ब्लैक पेन से कर देता हूं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एटम whose spectral line have wavelength 4 times shorter than those of hydrogen atom। तो देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा दे दिया है, यहाँ पे 2006 में पूछा गया था और इसको हर कोई नहीं कर पाएगा, जिसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सही होगा वही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएगा। तो चलिए हम इसको सीख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि जब वेवलेंथ निकालने के लिए रिडबर्ग कॉन्स्टेंट का भी यूज करा था, तो यहाँ पर हम वेवलेंथ के लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है 1/λ इक्वल्स टू ये रिडबर्ग कांस्टेंट इनटू जेट का स्क्वायर, और फिर यहां पर आता है 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर देखो हमें क्वेश्चन में देख लो अभी क्या क्या गिवन है,
तो जो हमें एटॉमिक नंबर निकालना है उसको हम एक्स मान लेते हैं, तो मतलब जो एटॉमिक नंबर हमें निकालना है उसकी वेवलेंथ क्या है, जो हाइड्रोजन की वेवलेंथ है उससे 4 टाइम शॉर्टर देना है, मतलब जो हाइड्रोजन की वेवलेंथ है उससे 4 टाइम शॉर्टर है, तो अपॉन 4 कर दो। तो ये कॉन्सेप्ट अभी आप याद रखो, जो कि हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन था, ये हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे, दोनों को निकालेंगे। अगर मैं इसको हाइड्रोजन में रखूंगा तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर, और यहाँ पर एटॉमिक नंबर क्या होता है हाइड्रोजन का 1, तो यहाँ पर इंटू 1 का स्क्वायर और 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर, कुछ नहीं है, बहुत छोटा है ये क्वेश्चन, इक्वेशन 1 दे दो। अब ये तो हाइड्रोजन के लिए निकाला था, अब हमें जो फाइंड करना है उसके लिए निकाल देते हैं वेवलेंथ क्या होगा, R इंटू जेड। अब ये जेड तो हमको निकालना ही है, जो एटॉमिक नंबर अपॉन 1 अपॉन N1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 का स्क्वायर। अब देखो इसके बाद क्या करेंगे, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब अगर हम डिवाइड करते हैं इक्वेशन 1 को फ्रॉम इक्वेशन 2 से, तो हम क्या पाएंगे, हम इसको ऐसा लिखेंगे 1 अपॉन लैम्डा एच, यहां पर अपॉन आएगा 1 अपॉन लैम्डा एक्स। जब हम इसको अपॉन करेंगे तो क्या होगा, ये वाले पार्ट कट जाएंगे, हमारे पास क्या आएगा आर एक्स, और यहां पर आएगा हमारे पास 1 का स्क्वायर, और यहां पर आएगा आर एक्स जेड का स्क्वायर, ये भी इससे कट जाएगा। तो हमने यहां पर देखा जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर क्या आएगा, ये वाली पार्ट ऊपर चल जाएगी, लैम्डा एक्स अपॉन लैम्डा एच इक्वल्स टू 1 अपॉन जेड स्क्वायर। अब मैं क्या कर सकता हूं, मैं यहां पर इस लैम्डा एच को ऐसे लिख सकता हूं, अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई यहां पर कर दूं तो लैम्डा एच इक्वल्स टू 4 लैम्डा एक्स, है ना, तो मैं इस लैम्डा एच की जगह क्या लिख सकता हूं, 4 लैम्डा एक्स। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, लैम्डा एक्स अपॉन 4 लैम्डा एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन जेड स्क्वायर। लैम्डा एक्स से लैम्डा एक्स चल जाएगा तो जेड स्क्वायर इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा 4, तो यहां पर से जेड की वैल्यू निकल जाएगी 2, मतलब हमारा जो एटॉमिक नंबर निकलेगा 2, तो इसका मतलब यहां पर बात हो रही है एटॉमिक नंबर 2 किसका होता है, हीलियम का। तो यहां पर इसका आंसर आ जाएगा एटॉमिक नंबर 2 ऑप्शन डी हीलियम। ठीक है, ऑप्शन में ऐसा भी दे सकता था, देखो क्वेश्चन आपको ऐसे ही दे देता और यहां पर क्या पूछता, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एटम की जगह लिख देता व्हाट इज दैट एटम, यहां लिख देता व्हाट इज दैट एटम हुज स्पेक्ट्रल लाइन हैव अ वेवलेंथ 4 टाइम्स शॉर्टर देन दोज ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो तब यहां पर ऑप्शन में आपको हीलियम देता। तो आपको यहां पर जेड की वैल्यू 2 निकालनी पड़ती, फिर यहां से बताते हाइड्रोजन के बाद क्या था हीलियम, तो यहां पर इसका आंसर आप दे देते हीलियम। तो ये कुछ इस तरीके से सॉल्व होता है। चलिए आई होप आपको ये जो मैंने अभी न्यूमेरिकल बताया इजिली आपको समझ में आ गया होगा, और बता दूं जो ये मैं आज क्वेश्चन करवा रहा हूं ना इसको कम से कम 2 से 3 बार जरूर कर लेना, लास्ट वाली वीडियोस देख लियो फिर तो बहुत बेस्ट है, और इसको देख लोगे तो फिर तो बेस्ट एंड बेस्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में, विच सीरीज इज ऑब्टेन इन द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, कौन सी सीरीज ऑब्टेन होती है जब हम ऑब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है, तो अब इसको हम समझ लेते हैं। तो देखिए जो ऑब्जॉर्प्शन होता है वो सबसे लास्ट वाले एनर्जी लेवल में होता है, क्योंकि ऑब्जॉर्प्शन का मतलब क्या हुआ कि वो एक एनर्जी लेवल से दूसरी एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन एनर्जी को ऑब्जॉर्व करके हायर एनर्जी लेवल की तरफ भाग रहा है। इमिशन में क्या होता है, वो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल की तरफ जाता है। तो अब जब एब्जॉर्प्शन कर रहा है तो कौन सी सीरीज बनेगी, जो सबसे नीचे वाले एनर्जी लेवल में बनती है, और जो सबसे नीचे वाले एनर्जी लेवल में कौन सी सीरीज बनती है, हमारी लेमन सीरीज, मैंने आपको भी पीछे बताया था। तो इसका ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए लेमन सीरीज हमारा इसका क्या हो जाएगा, इस करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17, जल्दी जल्दी कवर करते हैं, काफी सारे क्वेश्चंस कवर करने हैं हमको। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन कनेक्शन विद बोर्स पोस्टुलेटस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, कौन सा कनेक्शन इज फॉल्स अकॉर्डिंग टू द बोर्स। तो ऑप्शन फर्स्ट देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर मोशन, और जो कि करेक्ट है। ऑप्शन बी देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ स्टेशनरी ऑर्बिट, यस ऑर्बिट ऑलवेज स्टेशनरी रहता है, इलेक्ट्रॉन्स रोटेट करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, ऑप्शन बी इज ऑल्सो करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट, यस दोज ऑर्बिट्स आर नॉन रेडिएटिंग, इट्स मीन्स ऑप्शन सी ऑल्सो करेक्ट। नाउ अगला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, जो कि लास्ट वन है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग इन एनी वन ऑफ द अलॉट ऑर्बिट्स रेडिएटेड, तो ऑप्शन डी इज फॉल्स,
जो कि अकॉर्डिंग टू बोस नहीं था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द फॉल्स वन एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में द रेडियस ऑफ सेकेंड बोर्स ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एटम। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आने की संभावना ज्यादा से ज्यादा है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं कि हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। वो फॉर्मूला है, अगर हमको रेडियस निकालना हो तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं आर एम इक्वल टू 0.529 मल्टीप्लाई बाय एन स्क्वायर, और एन की जगह हम रख देंगे कौन से ऑर्बिट की बात हो रही है। फर्स्ट ऑर्बिट की बात होगी तो एन की वैल्यू रख देंगे 1, सेकेंड ऑर्बिट की बात होगी एन की वैल्यू 2, और जिससे हमें डायरेक्ट इस फॉर्मूले में वैल्यू रख के हमें किसी भी सेल की हमें रेडियस पता चल जाएगी फॉर हाइड्रोजन एटम। अब यहाँ पर पूछा गया है सेकेंड की, तो सेकेंड के लिए मतलब एन की वैल्यू हम ले लेंगे 2, तो आर एम की वैल्यू निकलेगी 0.529, और इसकी जो निकलेगी वो आर्मस्ट्रांग में निकलती है। ठीक है, इंटू एन मतलब 2 की पावर 2, और हम इसको सॉल्व करेंगे आर एम इक्वल्स टू 0.529 मल्टीप्लाई बाय 4। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारा जो आर एम की वैल्यू आएगी वो आएगी 2.12 स्ट्रॉन्ग। नाउ चेक कर लेते हैं इसमें से कौन सा नंबर का ऑप्शन इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी जो आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आप इसको याद कर लें, इस फॉर्मूले को नोट कर लें अच्छी जगह डाल के, कि जब भी हमें फाइंड टू फाइंड आउट द रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिट फॉर या एनथ ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एटम, तो वहां पर ये आप फॉर्मूला याद कर लें, ताकि आप रिविजन करते समय आपको जब भी ये क्वेश्चन ऐसे टाइप का मिले तो आप एकदम सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में गिवन है फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज। तो पहली एक्साइटेशन पोटेंशियल पूछी है हाइड्रोजन एटम की। तो ये मैं आपको पहले भी सॉल्व करवा चुका हूं, कैसे ये तो मैंने आपको बताया था अभी लास्ट क्वेश्चन में। या तो आप डायरेक्ट याद कर लो 10.2 होती है, या मैंने आपको कैसे बताया था कि हमारे पास फर्स्ट एनर्जी लेवल की वैल्यू हो, सेकेंड एनर्जी लेवल की वैल्यू हो। तो एक्साइटेशन की निकालनी है तो कैसे करते हैं, E2 - E1, इसकी वैल्यू कितनी थी -13. हमारे पास थी 6, और इसकी थी -3.4, और जब हमने इसको सॉल्व करा था तो हमारे पास आ गई थी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां से देख लो ऐसी, या तो आप डायरेक्ट याद कर लो इन वैल्यूज को, अच्छा रहेगा कि आप डायरेक्ट याद कर ले, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो इसकी डायरेक्ट आंसर हो जाएगी 10.2। डायरेक्ट याद करने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूं, देखो वैसे तो मैं प्रिफर नहीं करता कुछ भी चीज रटना, सॉल्व आपको पता होना चाहिए कि वो चीज कहां से आई है, बट ये वैल्यूज ऐसी है कि ये आपका फिक्स रिजल्ट देगी। तो इन चीजों को आप अगर याद कर लेंगे डायरेक्ट, तो आपका जो टाइम है वो बच जाएगा। तो मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया, अगर आपको याद होता है याद करें, अगर आपको सॉल्व करना है तो आप सॉल्व करें, सॉल्व करने में भी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्वांटम ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटी वाज प्रपोज्ड बाय बोर। तो कौन से क्वांटम, फिजिकल क्वांटम जो प्रपोज किया गया था बोर से, तो पहला है एनर्जी, ऑप्शन बी दिया गया है मोमेंटम, ऑप्शन सी दिया गया है एंगुलर मोमेंटम, और ऑप्शन डी दिया गया है चार्ज। और ये क्वेश्चन पूछा गया है 2005 में। तो देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, पढ़ चुके होंगे पहले भी। इसका आंसर क्या होगा, डायरेक्ट हमें पता है जो एंगुलर मोमेंटम था ये किसने फॉर्म करा था, बोर्स ने, प्रपोज किया गया था बोर्स ने। तो इसका आंसर हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम। कौन सी फिजिकल क्वांटिटी, एंगुलर मोमेंटम वाज प्रपोज्ड बाय बोर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुए हैं, कोशिश की गई है इस लेक्चर में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लेकर आऊं, और अगर टाइम मिला तो और क्वेश्चन लेकर आऊंगा। बस क्या चाहिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि सर आप अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। द रेशियो ऑफ एनर्जीज ऑफ हाइड्रोजन एटम इन इट्स फर्स्ट एंड सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। ये क्वेश्चन भी बहुत ट्रिकी है, ट्रिकी नहीं बोल सकता, ये भी कह सकता हूं कि इसमें थोड़ा सा दिमाग खुल के करना है। अगर आप जल्दीबाजी में करेंगे तो आप उल्टा आंसर लगा देंगे। तो इसमें पूछा गया है रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम फर्स्ट में और सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो जो इसका फॉर्मूला होता है एनर्जी निकालने का, एनर्जी इक्वल्स टू 13.6 अपॉन एन स्क्वायर, ये होता है, ये कांस्टेंट होती है वैल्यू।
यहाँ पर एन की जगह कौन सी ऑर्बिट में रखना है, N1 N2, यहाँ से आप पता लगा सकते हैं। अब रेशियो पूछा गया है तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अगर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, ठीक है लिख सकते हैं यहां से। अब देखिए अब हम क्या करते हैं, यहां पर अगर हम फर्स्ट के लिए निकालेंगे तो यहां पर n1 लिख देते हैं, और अगर सेकंड के लिए निकालेंगे तो हम लिख सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n2 का स्क्वायर। ये फर्स्ट ऑर्बिट होगी, ये सेकंड ऑर्बिट होगी n2 स्क्वायर, ठीक है। यहां पर e1 लिख लेते हैं, यहां पर e2 लिख लेते हैं। रेशियो पूछा गया है फर्स्ट और सेकंड का, तो फर्स्ट हमें दिए e1 और सेकंड दी गई है यहां पर हमें e2। e1 की वैल्यू क्या है, 1/n1 का स्क्वायर, और e2 की वैल्यू दी गई है 1/n2 का स्क्वायर। जरा इसको सॉल्व कर लो क्या होगा, ये वाली वैल्यू सबसे ऊपर चली जाएगी और ये वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी, तो e1/e2 रेशियो क्या हो जाएगा, n2 ऊपर चले जाएगा, अब n2 का स्क्वायर / n1 का स्क्वायर। यहीं पर खेलता जो ये गेम था यहाँ पर, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं यहाँ पर बना देते e1 का n1 का स्क्वायर और e2 का n2 का स्क्वायर, और इनका आंसर आ जाता है गलत। तो यहाँ पर n1 क्या है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, और n2 क्या है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब पहले यहाँ पर होता है n=1, n=2, ठीक है। तो एक्साइट होकर सबसे पहले यहाँ पर आया, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कौन सी हुई, n की वैल्यू यहाँ पर रखी जाएगी 2। सेकंड एक्साइटेड स्टेट की बात करूंगा तो यहाँ पर n की वैल्यू रखी जाएगी 3। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट यहाँ पर क्या होगी, 1, तो इसकी वैल्यू रखी जाएगी 2 का स्क्वायर, यहाँ पर रखा जाएगा 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से सॉल्व हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4। तो जो इनका रेशियो निकलेगा वो निकलेगा 9/4। याद रखे पूछा गया है कौन सा क्वेश्चन था हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 21 फर्स्ट। तो फर्स्ट जो एक्साइट होगी यहाँ पर आई, फर्स्ट एक्साइटेड कौन से, n=2, तो इसलिए 2 का स्क्वायर। सेकंड पूछा गया था सेकंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट क्या होती है, जब एनर्जी लेवल n=3 होती है, तो यहाँ पर 3 रखा, 9, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4। तो यहाँ से ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। ऑप्शन नंबर सी में हमें क्या गिवन है, 9/4। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, 9/4 इज करेक्ट आंसर रेशियो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। लाइन ऑफ वार्मर सीरीज आर ऑब्टेन फ्रॉम हाइड्रोजन एटम व्हेन द इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम सम हायर ऑर्बिट टू, कौन सी ऑर्बिट में जंप करता है। तो अब इमिट तो तभी करेगा जब हायर से लोअर में करेगा। अब ये पूछ रहा है कौन सी ऑर्बिट में करता है, फोर्थ में करता है, थर्ड में करता है, सेकंड ऑर्बिट में करता है। तो मैंने देखो अभी आपको समझाया था जब मैंने आपको यहाँ पर सीरीज के बारे में बताया था, तो यहाँ पर देखिए कौन सी n=2 सेकंड उसमें गिर रहा था ना सेकंड ऑर्बिट में, तभी तो कौन सी दे रही थी, बामर सीरीज दे रहा था। तो यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर C, जब व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर, मतलब जब हमारी हायर से, इस हायर से, यहाँ से हायर से कौन सी सेकंड में गिरेगा, तो तभी हमें क्या मिलेगी, बामर सीरीज। अगर फर्स्ट में गिरेगा तो लेमन सीरीज मिलेगा, और थ्री में गिरेगा तो प्रेसन सीरीज मिलेगा, और उससे ऊपर फोर में गिरेगा तो ब्रैकेट सीरीज मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पूछा गया है, अभी हमारे बात यहाँ पर बामर सीरीज की हो रही, तो यहाँ पर ऑप्शन C इज द करेक्ट वन, दैट इज सेकंड ऑर्बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, जो 2002 में पूछा गया है, इन बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम रेडिएशन इज इमिटेड व्हेन द इलेक्ट्रॉन। अब इमिश दो बात शब्दों में जाओ, इमिशन का मतलब क्या हुआ, जब भी इमिशन की बात आएगी तो इसका मतलब क्या हो रहा होगा, इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर की तरफ आ रहा होगा। एब्जॉर्प्शन की बात होगी तो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा होगा कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करके, और जब ऊपर से नीचे आता है उसी एनर्जी को वो रिलीज करता है एनर्जी की फॉर्म में, लाइट की फॉर्म में, जो कि जब उसको हम प्रिज्म या किसी और से पास करते हैं तो वो डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन बना लेता है, और उसी स्पेक्ट्रल लाइन की सीरीज को हम अलग अलग सीरीज का नाम दे देते हैं। अब पहला ऑप्शन दिया गया है रिमूव इट्स ऑर्बिट, सेकंड दिया गया है जंप फ्रॉम इट्स ऑर्बिट इनटू न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में तो कभी जंप ही नहीं करेगा। सी दिया गया है जंप फ्रॉम द हायर ऑर्बिट इनटू अ लोअर ऑर्बिट, और सब थर्ड दिया गया है राइज फ्रॉम अ लोअर लेवल टू हायर लेवल। अब देखो लोअर से हायर जाएगा तो इमिशन तो कभी हो ही नहीं सकता, एब्जॉर्ब होगा, अभी आपको बताया था। तो इसका आंसर क्या होगा, सी, जंप फ्रॉम द हायर ऑर्बिट इनटू अ लोअर ऑर्बिट। जब हायर से ऊपर करेगा तो जितनी एनर्जी वो लेके ऊपर पहुंचा था उसी को नीचे आते हुए रिलीज करेगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, इमिशन ऑफ रेडिएशन होगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 में, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, एनर्जी गिवन है, इट्स एंगुलर मोमेंटम वुड बी, एंगुलर मोमेंटम पूछा है, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें देखो क्या चीज गिवन है, और उसमें आपको क्या दिया रहता था, एन की वैल्यू दी गई थी कि जो हाइड्रोजन एटम है वो कौन से ऑर्बिट में, बट अब उसने क्या कराया कि उस ऑर्बिट की एनर्जी दे दी। मतलब बात को समझो, इसको मैं आपको ऐसे समझाता हूं कि एनर्जी लेवल है डिफरेंट डिफरेंट, n की पावर 1, n2, n3, है ना,
तो अब एंगुलर मोमेंटम की हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था, एंगुलर मोमेंटम क्या पढ़ा था, एन एच अपॉन टू पाई पढ़ा था हमने, ठीक है। अब ये क्या करा इसने, जो पहली नंबर की जो एन इक्वल टू वन है, इसकी एनर्जी, इनकी भी एनर्जी है ना। ये तो अभी हमने ऑर्बिट का लिखा है कि कौन सी ऑर्बिट में, कौन सी स्टेज में, अब इनकी भी कुछ एनर्जी होती है, तो इसने क्या करा, एनर्जी दे दी। अब ये पता नहीं इसने फर्स्ट की दी, सेकंड की दी या थर्ड की दी, तो हमें ये पता लगाना है। और उसके बाद पहले तो हमें पता है कौन से ऑर्बिट की बात कर रहा है, कौन से लेवल की बात कर रहा है एन की एनर्जी से, और उसके बाद हमें बताना है कि उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। तो इसको हम क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, आइए चलिए हम इसको देखते हैं। तो एनर्जी का हमारे पास फॉर्मूला होता है, अभी मैंने आपको बताया था जब एनर्जी निकालते हैं, तो एनर्जी का हमारे पास फॉर्मूला होता है 13.6 अपॉन एन स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पर हमें एनर्जी गिवन है, एनर्जी कितनी गिवन है हमें, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। तो हम ऐसे कर सकते हैं, ये ऊपर चल जाएगा, मतलब या डायरेक्ट लिख दीजिए -3.4 इक्वल टू 13.6 अपॉन एन स्क्वायर। ओके, एन स्क्वायर इक्वल टू 13.6 अपॉन माइनस ऊपर आ जाएगा ऊपर 3.4, और जब हम इसको कट करेंगे यहाँ पे तो हमारे पास आ जाएगा एन स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4। अब जब हम इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं तो हमारे पास एन की वैल्यू आ जाएगी 2। मतलब जो ये एनर्जी लेवल दी थी -3.4, ये कौन से लेवल की थी, एन इक्वल टू 2, मतलब इसकी एनर्जी दे रखी थी -3.4 इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब पूछा गया एंगुलर मोमेंटम, अब एन की वैल्यू पता चल गई, हमने पहले एनर्जी निकाली, एनर्जी से पता चल गया, बात कर रहा था एन की वैल्यू 2 से, तो एंगुलर मोमेंटम कैसे निकलेगा, 2 एच अपॉन 2 पाई, 2 से 2 कट गया, एच अपॉन पाई किस में गिवन है, ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी इज गिवन। अब देखो, अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता होता, पहली चीज है ना, ये फॉर्मूला नहीं पता होता, दूसरा ये तो चलो सबको याद रहता है एंगुलर, अगर ये भी नहीं पता फिर तो आप पेपर ही मत दो, ठीक है। अगर ये फॉर्मूला नहीं पता होता तो आप कैसे पता लगाते, तो सिंपल, एनर्जी गिवन है, एनर्जी से एन निकालो, एन की वैल्यू एंगुलर मोमेंटम में फिट कर दो, और उसके बाद आपको आंसर मिल जाएगा। तो देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाना है, कुछ नहीं है, ठीक है, ऐसे आप करके सॉल्व कर लोगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 में। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है, द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ एच एटम इज, हाइड्रोजन एटम की ग्राउंड स्टेट की एनर्जी कितनी होती है। तो कितनी होती है, पहले भी बता चुका हूं, दोबारा भी बता दूंगा, कोई बात नहीं, ठीक है। तो क्या होती है, जो ग्राउंड स्टेट होती है, उसके बाद ये होती है 1, 2, 3 करके ऊपर बढ़ती रहती है। तो इसकी मैंने आपको बताई थी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी बताई थी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, जिस समय मैंने एक्साइटिंग स्टेट वोल्टेज निकाली थी, पोटेंशियल, है ना, जब यहाँ पर निकाली थी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकाला था एक्साइट होने के लिए, तब भी बताया था आपको। तो यहाँ पर यही तो पूछ रहा है, ये ग्राउंड स्टेट की तो पूछ रहा है, ग्राउंड स्टेट की एन इक्वल टू वन इसी की तो पूछ रहा है, तो यहाँ पर डायरेक्ट क्या है, 13 -13.6, यहाँ से आप बता दो, और कैसे बता सकते हो, ऐसे भी निकलती है, एनर्जी इक्वल टू -13.6 अपॉन एन स्क्वायर करते हैं हम, तो यहाँ पर इस ग्राउंड स्टेट के लिए एन की वैल्यू क्या होती है, 1, तो एनर्जी इक्वल टू -13.6 अपॉन 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगी -13.6। जी हाँ सर, हमें रटना नहीं है तो ऐसे भी निकाल लो, अगर आपका न्यूमेरिकल थोड़ा सा अच्छा है, थोड़े से कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो यहां से हमें पता चल गया कि जो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी होती है वो कितनी होती है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां से ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और देख लो ये क्वेश्चन 2004 और 2009 दोनों में पूछा गया है, और प्रोबेबिलिटी ये है कि क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि देखो एकदम हलवा क्वेश्चन तो वो आपको देंगे नहीं, चलो दे दिया, 2-4 दे दिया आपको पास होने के लिए, पर अच्छे नंबर गेन करने हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, फ्रैंक एंड हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट शोस, ठीक है, 2010 में पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया है नेगेटिव चार्ज इन इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी दिया गया है इलेक्ट्रॉन्स आर कैथोड रेज, ऑप्शन सी दिया गया है डिस्क्रीट एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ऑप्शन डी दिया गया है नन ऑफ दीज। तो देखिए बेसिक है, जो फ्रैंक एंड हर्ट्ज ने एक्सपेरिमेंट करा था उससे हमें क्या पता चला था, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के डिस्क्रीट एनर्जी लेवल, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, एच अल्फा लाइन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बिलोंग टू विच सीरीज, पहले भी करा चुका हूं क्वेश्चन, अगर इससे पहले के जो क्वेश्चन करे हैं अगर अच्छे से करा होगा तो ये क्वेश्चन आप खुद ही बता देंगे। तो मैंने जब आपसे क्वेश्चन पूछा था इसमें, जो इसमें पिछले साल भी आया था, कि पूछा गया था कि जब बार्मर सीरीज में सबसे बड़ी वेवलेंथ किसकी होती है, तो वहां ऑप्शन में मैंने आपको बताया था एच अल्फा लाइन की होती है, उसके बाद उससे छोटी एच बीटा, फिर एच गामा। तो यहाँ पर उल्टा दे दिया, एच अल्फा लाइन पूछा गया कि कौन सी सीरीज से बिलोंग करती है, किससे गिरती, बार्मर सीरीज से, और ये कैसी लाइट करती है, विजिबल लाइट। तो
जब भी कोई कॉन्सेप्ट करते हैं, किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं, तो कोशिश करिए कि उससे रिलेटेड किस टाइप के भी क्वेश्चंस आ जाए, वो उस टाइप के कॉन्सेप्ट आप क्लियर करके चले। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है बट नॉट लीस्ट। अगर वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स आया, अच्छे व्यूज आए, तो मैं आपके लिए दूसरा पार्ट लेकर आऊंगा, जिसमें स्टार्टिंग के यूनिट के जो लास्ट ईयर के एमसीक्यूज है वो मैं आपके लिए लेकर आ जाऊंगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं बट नॉट लीस्ट। That is the principal quantum number n for a ground state of hydrogen atom is। वाह, इससे अच्छा, इससे मतलब ये आपको हलवा दे दिया, बिल्कुल मुफ्त का क्वेश्चन है और 2002 में पूछा गया है। इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, स्टैंडर्ड पता चल गया होगा आपको, अच्छा भी आएगा बेकार भी आएगा, दोनों आएगा। तो ग्राउंड स्टेट के लिए जस्ट अभी बताया था मैंने यहाँ पे, ये पीछे जो क्वेश्चन करवाया था मैंने 35 वाला, ग्राउंड स्टेट थी। ग्राउंड स्टेट के लिए एन की वैल्यू क्या बताई थी, 1। ग्राउंड स्टेट के लिए एन की वैल्यू 1, तो देख लो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है एन की वैल्यू 1, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट 1। तो देखिए, कमेंट करके जरूर बताएं कि आज का वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर कर जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।